Welcome to YouTube. Please subscribe this channel, click the bell icon, like, comment and share. Assalamu alaikum. मैं हूं मोहम्मद अवैस हाशमी और आप देख रहे हैं मोहम्मद अवैस हाशमी एम प्रोफेसर YouTube चैनल. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें. दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भी मुझे रिकमेंड किया गया है, हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, हम दूसरे लोगों को मुतासर कैसे करें. उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं साथ, उसको हम आगे जो है वो आगे डिस्क्राइब भी करेंगे, बयान भी करेंगे. पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है गुड बिहेवियर. सेकेंड पॉइंट लिखा है फॉरगिवनेस. थर्ड है हेल्प. और जो फोर पॉइंट है वो है केयर. अब ये बेसिक चीजें हैं, आपने इस चीजों को समझना है. आपको सुलह हुदैबिया का वाकया याद है? आपको फतेह मक्का का वाकया याद है? क्या हुआ था? ये तय हुआ था कि जो भी मुसलमान मदीना से मक्का में आएगा उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, और कोई भी कुफार अगर मक्का से मदीना की तरफ आता है तो उसको फुल फौर और फौरी तौर पर उसको वापस भेज दिया जाएगा. हुआ क्या? जो मुसलमान मदीना से मक्का की तरफ गया उसको वापस नहीं भेजा गया, बल्कि उसको अपना गुलाम बना लिया गया, मुसलमान को बांदी बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया और अपने काम काज करवाए. तो मुसलमानों ने किया क्या? मुसलमानों ने वहां पे एक अच्छे इखलाक का मुजाहरा किया. उन्होंने कुफार जो पर हाकिम थे उन्होंने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा बोल बोला. क्योंकि जब आप गुड बिहेव करते हैं तो आपकी जो वर्डिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, आपकी वर्डिंग हार्ड नहीं होती. आपकी वर्डिंग किसी को जो है वो टीज करने वाली नहीं होती, आपके फेस पे स्माइल होती है, आप उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बनाते जाते हैं. तो उस वक्त मुसलमानों ने यही किया, अपना बिहेव जो है वो जबरदस्त रखा, इखलाक को बुलंद रखा. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने इखलाक को बुलंद रखो, क्योंकि इखलाक एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया की हर चीज पता कर सकते हैं. दुनिया की हर चीज, हर डील आप टेबल टॉक करके इजीली अच्छे बोल से, गुड बिहेव से आप उसको जीत सकते हो. अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है फॉरगिवनेस. हुआ क्या? फतह मक्का के मौके पर क्या किया गया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अबू सुफियान के घर जो शख्स बना लेगा उसे माफ कर दिया जाएगा, हत्ता के अपने सगे चचा के कातिल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया. यानी अगर आपने किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को किसी भी तरीके से इंप्रेस करना है तो सबसे पहले आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेव गुड होना चाहिए, उसके बाद आपके अंदर फॉरगिवनेस होनी चाहिए, माफ कर देने की सलाहियत होनी चाहिए. याद रखें, तारीख में कहीं भी बदले से, अना से, जो है गुस्से से कभी भी लोगों को इंप्रेस नहीं किया गया. कबीले इंप्रेस नहीं हुए, सोसाइटियां इंप्रेस नहीं हुई, कौम इंप्रेस नहीं हुई. अच्छे इखलाक से, फॉरगिवनेस से, माफ कर देने से आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं. हुआ क्या? जब फतेह मक्का हुआ उस वक्त मैक्सिमम कुफार मुसलमान हो चुके थे. कैसे हुए थे? जो जंग के जोर पे नहीं हुए, जो तलवार के जोर पे नहीं हुए, जंगे लड़ी ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, वो उसी वक्त मुसलमान हो गए जब उन्होंने मुसलमानों का इतना अच्छा बिहेव देखा. वो इंप्रेस हो गए, उन्होंने कहा इस्लाम इतना अच्छा दीन है यार, हम कितना जुल्म डाल रहे हैं, ये बिहेव इतना अच्छा कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट मैंने जो लिखा,
लिखा है हेल्प करने से आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, मदद करने से आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। हेल्प से क्या होता है, एक इंसान जो दुखी है, एक इंसान जो पहले टेंशन में है, अगर आप उसकी हेल्प कोई कदर कर देते हैं, अगर आपके बस में है, अगर आपके दायरे इख्तियार में आता है, तो अगर आप उसकी हेल्प कर देते हैं तो डेफिनेटली उस जो दुख में जो उसको सुकून मिला, जिसकी वजह से मिला और जिसने हेल्प की, वो उसको कभी नहीं भूलता। दुख के आलम में वो अपने साथी को कभी नहीं भूलता, ये इंसान की फितरत है। और जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है वो है केयर, एहतियात। दूसरी तरफ से इसको यूं कह सकते हैं किसी की जो है वो किसी की तवज्जो लेने के लिए, किसी की केयर करने के लिए, आप इसको यूं कह सकते हैं किसी का आप देखभाल करने के लिए। अगर आप किसी की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बीमार भी है तो उससे आप उसकी बीमार पुरसी के लिए उससे रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा आपके बस में हैं तो आप उसकी बीमार पुरसी के लिए उसकी जो है वो मेडिकली हेल्प कर सकते हैं, उसको दवा दारू दे सकते हैं, इससे लोग आपके बहुत इंप्रेस होंगे। आपको पता है उस बुढ़िया का जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी जिंदगी कूड़ा करके फेंका, छत पे खड़ी हो जाती थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे उनके सर पर वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर मैं, आप सब क्या करते, ऊपर देखते बुढ़िया की तरफ, कूड़ा अपने सर से हटाते, मुस्कुराते और चल दिए थे। आप बताएं ऐसा इखलाक क्या हमारे अंदर है, क्या हमारी नस्लों में कभी आ सकता है? आ सकता है अगर हम खुद को संवारे तो। इखलाक की आदत मिसाल कायम कर दी। आज एक दिन क्या आपको कोई ये भी कह दे कि मैं तेरे ऊपर थूक भी नहीं फेंकता, या मैं तेरे ऊपर कूड़ा फेंकता हूं, या वैसे ही अगर कोई आपको कोई चीज उठा के तंजर मार दे, आप गुस्से हो जाते हैं, आपके दिल में उसकी नफरत शुरू हो जाती है। आप ने केयर की उस बुढ़िया की, उसको उसकी देखभाल की, कब, जब वो बीमार हुए। काफी अच्छे बाद आप का जो है ना वो जब गुजर हुआ तो देखा बुढ़िया नहीं है, काफी अर्से तक वो बुढ़िया कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकती थी, लोगों से पूछा उसने तो लोगों ने कहा यार वो तो बीमार हुई पड़ी है, उसके घर चले गए, उसकी दिमागदारी की, उसकी केयर की, उसकी देखभाल की, उसकी दवा पुरसी की, उसकी मदद की, वो इंप्रेस हो गया और पूछती है भाई ये शख्स तो कौन है, आपसे फरमाया मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके ऊपर तो कूड़ा क्रिकेट फेंका करते थे, कुर्बान करो। वो बुढ़िया जो सारी जिंदगी नफरत के बीच बो रही थी, एक पल में उसने फौरन पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इंप्रेस अगर करना है तो इन पॉइंट्स पर डिस्कस जो मैंने किए हैं, इन पॉइंट्स पर अमल करें, क्योंकि जब आप गुड बिहेव करेंगे आपके अंदर सॉफ्ट वर्डिंग आएगी, आपके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, आपका जो इखलाक है उसके अंदर सख्त लफ्ज खत्म हो जाएंगे, आप फॉरगिव करेंगे, आपके अंदर इंसानियत आएगी, ह्यूमैनिटी आएगी, माफ कर देने की सलाहियत आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह जब आप हेल्प करेंगे आपको अल्लाह मिलेगा, मदद से अल्लाह मिलता है। और इसी तरीके से जब आप केयर करेंगे किसी की आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका अजर मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इन सब पॉइंट्स जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, इस दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। एज अ मुस्लिम ये हमारा ईमान है। स्टे विद मी, देखते रहिए मोहम्मद अवैस हाशमी, एम पर्सन यूट्यूब। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।